कभी इस तरीके, यानी कि भूखे भी सो जाते थे। कई कई दिन तो ऐसा होता था कि हम लोग दुकान में वो मुरमुरे के लड्डू होते हैं, हमारे भाई वो लड्डू को लाते थे और हम तीनों बहन भाई उसी को खा लेते थे और खा करके अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाते थे कि अगर आज माँ होती तो हम लोग मतलब इस तरीके भूखे नहीं सोते। लेकिन कैसे भी करके हमारी जिंदगी यूं ही चल रही थी। भाई ने 10वीं पढ़े, 10वीं के बाद में छोटी सी उम्र में भाई की शादी कर दी गई कि यानी कि हमारी जो बहनें हैं ये भूखी ना रहे ताकि हमारी औरत आ जाएंगी तो खाना वगैरह इनको मिलेगा टाइम से, इस तरीके करके। लेकिन फिर क्या, भाभी की भी ज्यादा संगत नहीं मिली, करीबन 1 से 2 साल, और उसके बाद में हल्की उम्र में ही शादी हो गई। और शादी करने के बाद में 2002 में हमारी शादी होती है, तो शादी करने के बाद में सिर्फ एक ही विजन था कि अब अपना यही अपना घर है। तो हमारी जिंदगी की वहां से शुरुआत होती है, बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत होती है। जब हम शादी होकर के आते हैं तो घर में हर चीज रहता है, बहुत ही शानदार रहता है, क्योंकि हमारे जो ससुर साहब थे, सर जी के जो हस्बैंड है, सर जी के यानी कि जो पापा जी हैं, वो WCL में नौकरी करते थे, WCL में नौकरी करते थे। और बस जब पापा के पास में ये रिश्ता गया चल करके, तो पापा ने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया, बोला कि नहीं, बोले एक ही एकलौता लड़का है और पापा है तो WCL में सर्विस करते हैं, खेती बाड़ी सब्जी के काफी है, बहुत ज्यादा है, कम से कम 17-18 बीघे की खेती है गांव में। तो इस तरीके करके मतलब पापा ने कोई समझौता नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बस यूं ही रिश्ता गया और वैसे ही पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद में फिर हमारी 2002 में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में बहुत अच्छी, मतलब पापा ने ये देखा था कि सर जी तो जो थे ना सिलाई का काम करते थे, सिलाई का काम करते थे, तो उनके दिमाग में बस यही था, क्योंकि हमारे यूपी साइड में यही देखा जाता है कि लड़का के हाथ में हुनर है और कमाएगा और खिलाएगा, हमारी बेटी कभी भूखी नहीं रहेगी। तो ये पापा ने देखा और देखने के बाद में उन्होंने शुरुआत कर दिया शादी की, और बातचीत होने लगी। और बातचीत होने के बाद में वहां पे हमारी शादी की जो डेट थी फिक्स हो गई, शादी हो गई। अब उसके बाद में अच्छी खासी मतलब जैसे सब लोगों की जिंदगी कटती है इसी तरीके कट रही थी, क्योंकि सुबह जाना, शटल खोलना, दिन भर दुकान में काम करना और रात में आना, यही हमारा चल रहा था। और उस दौरान हमने भी मतलब कुछ हाथ में हुनर ले लिए थे, सिलाई का और कढ़ाई का, क्योंकि हमारे इधर यूपी साइड में बोलते हैं कि अगर लड़कियों के हाथ में हुनर रहता है तो लड़कियां कभी भूखी नहीं रहती हैं, कभी हस्बैंड का सहारा मिला नहीं भी मिला। तो मुझे फ्रेंड सिलाई भी आती थी और एम्ब्रॉयडरी भी मैं करती थी, और काफी अच्छे तरीके से 7 क्लास भी चला रही थी उस समय, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट था, कह रहे थे कि आप घर में खाली रहती हैं तो कुछ ना कुछ किया करिए। तो इस तरीके से हमने 7 क्लास भी स्टार्ट कर दिया यहाँ पे चलाना, और चला ही रहे थे कि उसी दौरान 2007 में RCM बिजनेस, पता नहीं सर, सुबह सुबह नहा करके गए थे और जाने के बाद में वहां पे कोई तो किसी और को प्लान दिखा रहे थे, वो कोई पांडेले पे, तो सर ने देखा और सुना, और वहां से आने के बाद में उन्होंने कहा कि अरे एक ऐसा बिजनेस मिला है, इतना शानदार बिजनेस है कि उसमें अपनी लाइफ पूरी यू टर्न हो सकती है। तो मैंने बोली कुछ भी बोलते हैं क्या, मुझे थोड़ा हंसी आई, और मैंने बोला कि अगर इसी तरीके पैसा कमाना आसान होता तो आज हर कोई बहुत ही अमीर होते, हर कोई अपने कार से मेंटेन करते होते और सबके पास एक कार होती लग्जरी। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, बहुत ही शानदार बिजनेस है, बोले लेकिन अभी मैं साइन नहीं करूंगा। एक जो व्यक्ति प्लान बता रहे थे, उन्होंने कहा है कि सावनेर में IMA हाल में एक बहुत ही शानदार मीटिंग है, वहां पे आइएगा। तो सर गए वहां पे, और जाने के बाद में इन्होंने मीटिंग जब देखा तो देखने के बाद में बहुत ही इनको मतलब अच्छा लगा। तो मैं उस समय सिलाई मतलब बच्चों को 7 क्लास लड़कियों को सिखा रही थी, तो उस समय मेरे पास में पैसा था। तो सर ने कहा कि आप अपनी ज्वाइनिंग पट से लगा दो, बोले पैसा है तो, क्योंकि नहीं तो आप सबसे नीचे आ जाओगी। तो मैंने खास करके देखी हूँ क्योंकि ये मेरे ऊपर की भी है स्टोरी, क्योंकि मेरे पास 1400 रुपए उस समय थे, मैंने पर्स से 1400 रुपए दे दी और सर से मैंने कोट पैंट के कपड़े ले ली। लेने के बाद में ज्वाइनिंग हो गई है। अब ज्वाइनिंग होने के बाद में फिर हमने मतलब
कहाँ ज्वाइनिंग हुई, क्या हुआ, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं एक अपने परिवार में थी, बहुत मस्त थी, बच्चे थे छोटे दो, तो उनके साथ में ही पूरा दिन गुजर जाता था, सास ससुर के ध्यान ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं ध्यान दिया, सर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सर सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, फ्रेंड इस तरीके, मतलब काफी दिन हो गया, तो ये क्या करते थे, मतलब टाई पहले नहीं पहनते थे, लेकिन जब से इन्होंने ज्वाइनिंग किया था तो तीन पैंट शर्ट की इन्होंने जो कपड़े लाए थे तो वो एक सुबह पहन के जाते थे, और जब दोपहर में खाना खाते में आते थे तो दूसरा पहन के जाते थे, और जब रात में आते थे तो तीसरा पहन लेते थे, तो मुझे लगा इन्हें जुनून क्या हो गया है, ये तो हमेशा एक ही टी शर्ट में और लोअर पे रहते थे, कभी स्लीपर पे रहते थे, अभी टाई वगैरह पहन ली है, तो इस तरीके करके मुझे बहुत मतलब उस तरीके से फीलिंग होने लगी कि ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हर कोई लड़कियों के अंदर में जब, क्योंकि मेरा जो, मैं थोड़ा सा अपना बताना चाहूंगी, क्योंकि 2 साल तक शादी हो गई, उसके बाद 2 साल तक के किसी ने मेरा एक पैर का अंगूठा तक नहीं देखा था, क्योंकि बाहर कभी हम घर से बाहर निकले ही नहीं, ना हमें परमिशन थी निकलने की, जहां पे भी जाना था तो नकाब पहन के जाना था, बुर्का जो बोलते हैं नकाब पहन के जाना था, और घर में आना था तभी नकाब उतरता था, तभी चेहरा खुलता था, वरना बस पर्दे के ही अंदर, यहाँ तक कि अगर कपड़े भी अगर धुल करके रख देते थे तो हमारी सास ले जाके डाल देती थी, ननन ले जाके डाल देती थी, पर बाहर निकलने का कोई परमिशन नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो एक दिन इन्होंने कहा कि आज क्या बोलते हैं आपको, हमारी एक हमसे जो बड़ी दीदी है वो नागपुर में रहती हैं और हम लोग सावनेर में रहते थे, तो कहा कि आज बाजी के यहाँ जाना है, तो मैंने बोली ऐसा अचानक कैसे बाजी के यहाँ का प्लान बन गया, तो बोले नहीं आज जाना है तो जाना है, तो हमने बोला कि चलिए ठीक है अच्छा, तो हमने सास से अपने मतलब झूठ बोले कि बाजी के यहाँ जा रहे हैं, और मुझे नहीं पता था, उनके अपने झूठ में हमको भी शामिल कर लिए, और वहां हम गए, और जाने के बाद में जब जैसे ही हम हॉल के थोड़ा बाहर ही पहुंचे थे तो इन्होंने कहा हमको पर्स से नकाब निकाल दीजिए, तो मैंने बोला कुछ भी बोल रहे हैं क्या, नकाब तो नहीं निकलेगा कभी नहीं, गर्दन कट जाएगी लेकिन नकाब नहीं उतरेगा, तो बोले नहीं नकाब निकालना पड़ेगा, वहां मैं आपको मीटिंग में लेकर के जा रहा हूँ, तो हमने बोला कि अरे बाप रे आप इतना फिर झूठ क्यों बोल गया, तो इस तरीके अगर बोले नहीं बोलता तो मम्मी पापा नहीं भेजते थे, क्योंकि पत्नी उनकी जरूर थी लेकिन उनका कोई हक नहीं चलता था, जो मम्मी पापा कहते थे वही करते थे, तो इस तरीके करके उन्होंने मुझे लाया, वहां लाने के बाद में जब हमने देखा, मीटिंग सुना, मीटिंग सुनने के बाद में ना एकदम रोंगटे खड़े हो गए, और वहां पे एक ही व्यक्ति, आज भी मुझे वो शब्द याद है, बोले पत्ता फेंकते जाइए बोले एक न एक बोले इक्का आएगा और इक्का छुपा हुआ है बोले, तो समझ में नहीं आया कि ये पत्ता क्या फेंकना है, इक्का कहाँ छुपा है, कुछ भी समझ में नहीं आया, बस लोगों के साथ मिल करके तालियां ठोके जम के, और ठोकने के बाद में घर में आए, आने के बाद में सर ने पूछा कि कैसा लगा मीटिंग, तो हमने बोला कि मीटिंग क्या था वहां पे, क्या मीटिंग था, वो तो सब ताली बजा रहे थे और उनके पता नहीं झूठ बोल रहे थे, इतना पैसा आता है ऐसा आता है वैसा आता है, तो हम इस तरीके करके जब वहां, तो फिर धीरे धीरे करके कोई बात नहीं क्लियर हुआ, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुई, क्लियर होने के बाद में तो इन्होंने क्या किया, दुकान को पूरा ऑन द स्पॉट बंद ही कर दिए, अब वहां पे कैसा था, कारीगर रहते थे और बस कारीगर अपना कपड़े काटते थे और वही कारीगर सिलते थे, इनका कोई ध्यान नहीं रहता था, ये सुबह जाते थे शाम में आते थे, सुबह जाते थे शाम में आते थे, इस तरीके करके काफी विवाद घर में हुआ, यानी कि हर कोई घर में हमारे जितने भी रिश्तेदार थे काफी, यानी ये हो गए कि मतलब आप अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती हो, और ये पूरा अच्छी खासी दुकान चल रही थी और दुकान को पूरा इन्होंने बर्बाद कर दिया, और आप इसका पूरा सपोर्ट करती हो, और आप लोग ना रुपए रुपए के लिए और दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, तो इस तरीके लोगों ने बोला, बोलने के बाद में क्या हुआ कि जब हम सुनते थे, और एक मतलब हम लोग ना किराए के घर में, मतलब WCL से पापा रिटायर हो गए और नाराज हो गए, नाराज होने के बाद में वो लोग गांव चले गए, अब गांव चले गए, गांव जाने के बाद में क्या होता है, हमारी हाल बहुत बेहाल हम लोग हो जाते हैं, कि जिस तरीके लोगों ने कहा था कि दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, तो वो उनकी जो जुबान थी एकदम बेहतरीन निकली, और वाकई में ये दिन ऐसा आ गया कि जब हमारी दुकान भी पूरी बंद हो गई, हम दुकान का किराया भी नहीं दे सकते थे, और
सर सारा दिन इनको जुनून था, पूरा आरसीएम बिजनेस का पूरा जुनून था, और इन्होंने पूरा फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करना शुरू कर दिया फ्रेंड। और उस समय जो पैसा था सारा मतलब पूरा खर्च हो गया। अब यहाँ तक कि इस तरीके की स्थिति आ गई कि छोटी बच्ची पेट में थी, और उस समय हमारे यहाँ पे खाने के लिए आटा नहीं होता था, और हमने करीबन 6 महीना, बच्ची मेरी पेट में थी और 6 महीना कंटिन्यू हम लोगों ने दाल चावल खा करके रहे, और कभी कभी चावल के साथ में हम लोग नमक मिर्ची पीस लेते थे, उसको खा लेते थे। किस तरीके करके हमने संघर्ष किया, इस तरीके किराया के मकान में रहते थे, कभी बच्चे अगर छत पे, दो बच्चे मेरे बड़े हैं, एक बेटी और एक बेटा, और वो लोग कभी अगर ऊपर खेलते थे तो खेलने में क्या होता था, वो जो मकान का मालिक था वो पट से ऊपर आ जाता था, आने के बाद में यही बोलता था कि आपके बच्चे बहुत दौड़ते हैं, बहुत खेलते हैं, बोले बहुत नीचे आवाज आती है। तो मुझे बड़ा दर्द होता था कि काश अगर अपना भी घर होता तो आज हमारे बच्चे भी मतलब अच्छे से खेल लेते और दौड़ते खेलते। लेकिन वो दौर था, वो दिन था कि जो कि यानी अगर कोई सब्जी वाला भी अगर आता था हमारे एरिया में, कभी सब्जी वाला भी आता था तो वो अगर सब्जी बोलता था कि सब्जी ले लो सब्जी ले लो, तो मेरे पड़ोसी जो होते थे ना मुझे देख करके मुस्कुराते थे, और मालूम है क्या कहते थे सब्जी वालों को, आरसीएम की सब्जी होगी बोले तो लेंगे, बोले अगर आरसीएम का आलू होगा तो लेंगे, आरसीएम का बैगन होगा तो लेंगे। लोग इस तरीके बोल करके मेरी मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस समय मैं नजरों में नजर कभी किसी के नहीं मिलाती थी, क्योंकि उस समय हमारे पास में कुछ कहीं की भी इनकम नहीं थी और सर फुल टाइम आरसीएम कर रहे थे। और यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि 10 रुपए भी हाथ में नहीं होते थे कोई चीज के लिए। अगर बाहर में बच्चे अगर खेलते थे, किसी के बच्चे खेलते रहते थे और आइसक्रीम वाला आता था तो सब बच्चे लेकर के आइसक्रीम खाते थे, और मेरी बड़ी बेटी इतनी समझदार थी कि वो देखती थी कि हाँ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, तो मेरी बेटी उठ करके वहां से खेलती थी और आकर अंदर आ जाती थी। तो मैंने बोली बेटा क्यों अंदर आ गई हो, खेलो ना, शाम का समय है। तो मेरी बेटी बोला करती थी मम्मी सब लोग वहां पे आइसक्रीम खा रहे हैं, आपके पास तो पैसा भी नहीं है कि आप मुझे आइसक्रीम खिला दो। उस समय बड़ा तकलीफ होती थी और अंदर जा करके कोने में चुपचाप से आंसू बहा लेती थी कि आज ये दिन आ गए हैं कि मैं आज अपने बच्चों को 10 रुपए की आइसक्रीम भी नहीं खिला सकती हूँ, इस तरीके करके। लेकिन बच्चे भी थे, बहुत समझदार थे। एक बार की तो इस तरीके की बात है कि सितंबर मंथ था, और ये करीबन 2009 की मैं बात बता रही हूँ, सितंबर मंथ था, और छोटी बेटी की पैदाइश हुई थी, करीबन 1 से 1.5 महीने की थी छोटी बेटी, और उसके बाद में उसी सितंबर मंथ की क्लोजिंग करना था, और ईद का दिन पड़ा था, 30/31 को ईद का दिन पड़ा था। और उस दिन हमारे यहाँ तक कि कुछ भी नहीं था बनाने के लिए, न खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और हमारे आदरणीय अजीत सर आए हुए थे, और थोड़ा सा आटा, 2 रोटी का आटा बचा हुआ था, उसको मैंने चुपचाप से छुपा करके रख दी थी कि अभी ये क्लोजिंग से आएंगे तो इनको मैं रोटियां बना करके खिला दूंगी। उस दिन ये जो अपने आरसीएम के मूंग के पपड़ होते हैं वो पपड़ मैंने सेकी और सेक करके मैंने खुद के खाई और अपने बच्चों को खिलाई, और खिला करके हम लोग वैसे ही माँ बेटी और बेटा सो गए। और उसके बाद में सर रात को जब आते हैं क्लोजिंग करके तो कहते हैं कुछ खाने के लिए है क्या, जब वो कहते हैं कुछ खाने के लिए है क्या तो बड़ा मतलब मैंने बोली ठीक है मैं बना देती हूँ, तो फिर बस मात्र उसमें से 3 रोटियां बनी थी। आज भी वो दिन मुझे याद है, मात्र 3 रोटियां बची थी। तो सर बोलते हैं मैं रोटियां नहीं खाऊंगा, बोलते हैं, मैं चावल खा लूंगा, सर को अपन रोटी दे देते हैं। हमने अजीत सर को रोटी दे दी और ये सर ने चावल खा लिए, और इस तरीके करके मतलब ईद का दिन था, सारे लोग इतनी खुशहाली मना रहे थे। उस दिन जो सुबह से मेरा दरवाजा बंद हुआ तो शाम के जब रात में सर आए 3 बजे क्लोजिंग करके, नागपुर में उस समय क्लोजिंग करने आते थे सावनेर से, तो जब सर आए करीबन 1:30 या 3 बजे के करीब में आए थे, उस समय मेरा दरवाजा खुला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे घर में आ ना जाए ईद की शीरकुरमा खाने के लिए, क्योंकि मेरे पास में कुछ भी नहीं था, ना ईद की शीरकुरमा में बनाई थी, ना कोई मेरे पास में मेवा था, ना मतलब मेरे पास में कोई भी चीज नहीं था, या एक बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं था, यानी कि इस शर्मिंदगी से दरवाजा बंद करके रखी थी कि कोई पड़ोसी आ करके मेरे घर में कोई आ करके बोले ना और ईद का
के लिए, मतलब हम लोग जैसे ईद मिलन करते हैं, ईद मिलते हैं, तो इस तरीके करके कोई आ जाए तो छोटा जब बच्चा कोई आता है ना तो उसको हम लोग ना ईदी देते हैं। तो मैं बोली अगर कोई गलती से मेरे घर में आ जाएगा तो कोई बच्चा लेकर के आ जाएगा तो कहीं मुझे ईदी ना देना पड़ जाए, और उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो इस तरीके करके हम लोगों ने लेकिन मेहनत किया, संघर्ष किया, आज वो मेहनत और वो संघर्ष का आज ये दिन है। और जो हमारे रिलेटिव थे, जो हमारे खास करीबी रिश्तेदार थे, वो लोग भी यानी कि हमारे घर में आना पसंद नहीं करते थे। इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि हम आरसीएम बिजनेस करते थे और कोई भी लीडर का फोन आता था तो ऐसी जुबान पे आ गई थी कि जय आरसीएम बोलते थे। जब हम जय आरसीएम बोलते थे तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे घर में अगर किसी की मौत मिट्टी हो जाएगी बोले तो कोई मिट्टी देने नहीं आएगा बोले, जनाजा बोले पड़ा रह जाएगा। इस तरीके उन्होंने बोला था। उस समय बड़े आंसू निकले थे। मैंने बोली कि मेरे सर, मेरे हस्बैंड कौन सा ऐसा गलत काम कर रहे हैं, अगर जय आरसीएम बोल रहे हैं तो उसमें क्या है। तो उन्होंने यहाँ तक के बोला, लेकिन फ्रेंड कहते हैं कि जब तक कामयाबी नहीं आती है, जब तक कामयाबी नहीं आती है तब तक जो लोग चल नहीं पाते हैं ना वो लोग भी बोलने का दावा रखते हैं। मैंने ये चीज को महसूस करी अपने जिंदगी में। और जिस दिन आपकी कामयाबी आती है, जिस दिन आपकी कामयाबी है उस दिन आपको लोग सैल्यूट करते हैं। ये मैंने देखी, बहुत करीब से देखी। लेकिन आज वही लोग कहते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुए, जिस एरिया में मैं किराए से रहती थी, जिस जहां पे मैं रहती थी, जहां मुझे खाने को नहीं मिलता था, आज मैं करीबन अभी 3-4 दिन हुआ है मैं वही एरिया में गई थी, और मैं कार से गई थी। और जैसे ही मैंने कार से नीचे कदम रखी तो एक वहीं पे दीदी रहती हैं, तो उन्होंने मुझे देखा और देख करके, अरे बोले महक की मम्मी आप हैं क्या। तो मैंने बोली कि क्यों क्या हुआ। तो बोले अरे आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए, बोले आरसीएम ने आपको कार दे दिया है क्या। तो हमने बोला कि नहीं, ये कहाँ है, ये तो एक छोटा सा है। तो इस तरीके करके लोगों ने, जो लोगों ने कहा था कि पहले आप आरसीएम कर लीजिए, आप बड़े आदमी बन जाइए, बाद में हमको बताइएगा, वही लेडी उस दिन हमें बोलती है कि आप तो मालूम है आप नहीं चाहते थे कि आपका पड़ोसी आरसीएम की कार से घूमे और आपका पड़ोसी आरसीएम की इनकम ले। मैंने बोली दीदी उस दिन मैं आपको बता रही थी बट मेरे पास में कोई भी वजूद नहीं था आरसीएम का, मेरे पास में कोई भी इनकम नहीं था, तो मैं आपको कहां से बताती थी। आज मेरे पास इनकम है, आज मैं लोगों को चेक है, आज मैं सबको दिखाती हूँ। तो आज की जो बात है, तो फ्रेंड सबसे पहले हमने एक बेहतरीन डिस्कवर गाड़ी खरीदी थी शुरुआत में, और वो डिस्कवर को इतना सर ने दौड़ाए, इतना दौड़ाए, इतना दौड़ाए कि इतना दौड़ाए कि उसको दौड़ा दौड़ा के उन्होंने टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया। अब उसके बाद में जैसे ही हमारा टेक्निकल हो जाता है, फिर उसके बाद में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कार खरीदे थे। ये कार कब खरीदे थे, 2011 में, 2011 में कार खरीदे, और उस समय पर्ल हो चुका था सर का, पर्ल हो चुका था, बहुत अच्छा, मतलब कि जो कहते हैं कि एक लाइफ स्टाइल। तो हमारा जो फर्स्ट कमीशन आया था वो एक बार आया था 45,000 का, एक बार आया था 50,000 का। तो हमने सोचा कि अब हमारी जिंदगी जो है तो सिक्योर हो गई है। लेकिन क्या हुआ, बीच में कुछ इस तरीके के हादसे हो गए हमारे कंपनी के साथ में। उस दिन हमें रात रात भर नींद नहीं आती थी और दिन में चैन नहीं रहता था कि करे तो क्या करे, क्योंकि हमारे कस्टमर भी सब इधर उधर बहक गए थे। हमारा सिस्टम, जैसे ही हमारा 9 महीने सिस्टम थोड़ा सा ये रहा, तो उसके बाद में जैसे ही 9वें महीने के बाद में जब आरसीएम डबल से जब शुरू होता है, तो फ्रेंड सारे लोगों का, हमारे डाउनलाइन का, हमारे अपलाइन का, सबकी केवाईसी ओके हो जाती है। लेकिन फ्रेंड हमारे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं थे, वो केवाईसी भेजते थे, उनकी ओके ही नहीं होती थी। सबकी ओके हो गई लेकिन हमारी ओके ही नहीं हुई केवाईसी, बड़े मुश्किल से ओके हुई केवाईसी। लेकिन जब पार्ट 2 में हमने बिजनेस की शुरुआत किया फ्रेंड, तो हमने 0 से शुरुआत किया और 0 से ही शुरुआत किया। और जैसे ही हमने शुरुआत किया तो हमने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज का दिन इस तरीके का आ गया है कि आज जो लेडी, आज जो मैं आपके सामने में बोल पा रही हूँ, मेरे घर में जब कभी भी कोई भी आ जाता था
तो हमारी सास हमेशा एक ही शब्द बोलती थी कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक सब लोग आ रहे हैं, तुम तो किसी से बात नहीं करती हो और किसी के पास बैठती भी नहीं हो, तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा। आज वही मेरी सासू अम्मी बोलती हैं कि तुम बहुत बात करने लगी हो, तुम बिना नॉन स्टॉप बात करती हो। तो इस तरीके ये शीर्ष देन किसकी है, मात्र मात्र आसिम बिजनेस की देन है। और हम इस तरीके से जब सेकंड इसमें आया बिजनेस को हमने शुरुआत किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सेकंड में तो हमने दिल से मेहनत किया, हमने दोनों ने मिलके मेहनत किया, क्योंकि मैंने एक कैसेट सुनी थी। वो कैसेट में एक लीडर थे, वो कह रहे थे कि मोटरसाइकिल में दो पहिए होते हैं और दो पहियों में अगर हवा बराबर है तो उस मोटरसाइकिल को आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर वही मोटरसाइकिल में एक ही पहिया में हवा है और दूसरे पहिया में हवा नहीं है, उसको आप कब तक खींच करके ले जाएंगे। तो मेरे दिमाग में एक ही बात सेट हुई कि ये तो सुबह का लेडीज का खाना बनाना है, शाम का खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, लेकिन अगर मैं भी थोड़ा सा इसमें अगर सपोर्ट करती हूँ तो जो हस्बैंड को इतना समय लगा था तो इससे कम समय लगेगा। और फ्रेंड मैंने वो सर का सपोर्ट देना शुरू करी शुरू करी, और जैसे ही कहते हैं कि मोटरसाइकिल में दोनों में हवा हवा बराबर की मात्रा में हो गई ना, तो बहुत ही कम समय में हमने दूसरे पार्ट में जीरो से शुरुआत किया था, बहुत कम समय में हमने इमराल्ड भी कर लिया। और जो ये आज कहते हैं इनकम के लिए, जैसे जो 700 की इनकम आती थी, अब कई बार एटीएम जाते थे, उस समय चेक आता था, एटीएम जाना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में जो हम सिलाई करते थे, जो हमारे दुकान में इतने सारे कपड़े टंगे होते थे, तो चार रिश्तेदार चार कस्टमर जाते थे और यही बोलते थे, एरोज सर एरोज बेग की बोले, हमारे जो दुकान का नाम था ना एरोज न्यू फैशन टेलर के नाम से हमारी दुकान फेमस थी, तो बोले एरोज की दुकान में बहुत कपड़े आते हैं, उसकी कमाई बहुत होती है, तो वो लोगों को दिखता था फ्रेंड, और वो दिखता था, लेकिन लोग कपड़े लेके तो जाते थे, लेकिन कपड़े उधार लेकर के जाते थे, कभी कैश नहीं देते थे पैसे। और इस तरीके से हमको मेहनत करना पड़ता था कि मतलब ईद आती थी, दिवाली आती थी, हम लोग तुरपाई करते रहते थे, सिलाई करते रहते थे, प्रेस करते रहते थे, लेकिन लोग लेके जाते थे, कहते थे अरे मास्टर साहब कल पैसे ला करके दे देंगे, परसों ला करके दे देंगे। इस तरीके करके लोगों के त्योहार बहुत अच्छे हो जाते थे, लेकिन हमारे त्योहार में तो कुछ मजा ही नहीं आता था। तो कहते हैं कि जब कोई भी दुकान अगर डालते हैं तो उसमें जो हमारा काम आता है वो लोगों को दिखता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप काम करते जाइए काम करते जाइए, और 3 तारीख को जो बिजनेस फाइनल होता है और जो 7 तारीख को कमीशन आता है, तो वो तो कभी किसी को पता भी नहीं चलता है आपके अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो गया है, किसी को भी नहीं पता चलता है। तो बस यही कहना चाहूंगी, और जैसे एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक चींटी थी और वो रोज जाती थी और दाना लेकर के आती थी और खाती थी। एक दिन क्या हुआ, वो जैसे ही वो चींटी बाहर निकली तो उसे एक ना शक्कर का बोरा मिल जाता है, और जब उसे शक्कर का बोरा मिल जाता है तो बहुत खुश होती है, इतना खुश होती है, इतना खुश होती है कि कहती है वाह मेरा तो पूरी जिंदगी कट जाएगी, मेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन जब वो बेचारी जाती है और जाने के बाद में एक दाना लेके आती है और अपने बिल में रखती है और फिर जाती है दूसरा दाना लेकर के आती है, तो फिर मालूम है क्या कहती है, कहती है कि अरे यार मेरी तो पूरी जिंदगी दाना ढोने में ही गुजर जाएगी, तो मैं इसको बैठ करके खाऊंगी कब। तो फिर वो जाती है चींटियों के झुंड में जाती है और उन्हें बताती है, अरे क्या बताऊं क्या बताऊं, मुझे तो एक शक्कर का बोरा मिल गया है। तो वो बोलती है कहाँ है, सब चींटियां का झुंड जो बोलती है ना, वो बोलती है अरे कहाँ है बताओ ना कहाँ है। तो वो चींटी क्या बोलती है, एक वादा करो आप लोग मेरे से तभी मैं बताऊंगी। तो वो फिर बोलती है सारी चींटियां की हाँ हम वादा करते हैं आप बताइए। तो फिर वो चींटी बोलती है एक काम करना, एक दाना मेरे बिल में रखना और एक दाना तुम अपने यहाँ लेके जाना। तो सारी चींटियों ने कहा कि मुझे मंजूर है, हमें मंजूर है।
तो इस तरीके करके जब सारी चींटियां जाती थी, एक शक्कर का अपने बिल में रखती थी, एक शक्कर का दाना उनके बिल में रखती थी, तो इस तरीके करके उनका भी पेट भरा और उनका भी पेट भरा। तो फ्रेंड, अपना जो सिस्टम है, अपना जो बिजनेस है, सेम इसी तरीके का है। और आप बस लोगों को बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। अपलाइन से पूछिए कैसे कैसे, लाइफ लाइन को बताइए।